इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से सीधे खबर, गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ है। सीएम उद्धव से मिलने जा रहे हैं इस्तीफे को लेकर अनिल देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे की चिट्ठी उन्होंने ट्वीट कर दी है। बड़ी खबर आपके सामने, महाराष्ट्र की राजनीति में जो लगातार हलचल मची हुई थी, आज उसका नतीजा सामने आया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा अपना सौंप दिया है। अनिल देशमुख से अब उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जो इस्तीफे की कॉपी है वो भी उन्होंने ट्वीट की है। आणि आपण सगळे मिळून कोरोनाच्या या लाटेचा मुकाबला करूया आणि त्याचा मुकाबला करण्याकरता भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा लसीकरणाच्या मोहिमेमध्ये अग्रणी राहील आणि जास्तीत जास्त लोकांचं लसीकरण हे आपण करून घेऊ। अशा प्रकारचा प्रयत्न जर आपण केला तर येत्या 2 महिन्यांमध्ये लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा आपण कमीत कमी करू शकू। त्या दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करायचा आहे आणि त्यासोबत आपण असे ठरवलंय की येत्या काळात ब्लडची आणि प्लाझ्माची आवश्यकता राहणार आहे, तर त्याचेही काही कॅम्प्स आपण घेण्याचा निर्णय घेतलाय, जेणेकरून पेशंटला ब्लड आणि प्लाझ्मा हा वेळेवर मिळू शकेल, तर तोही प्रयत्न आपण सगळे मिळून करूया। यावेळी अधिक न बोलता मी पुन्हा एकदा आमदार पराग शाह यांचं, या घाटकोपरच्या संपूर्ण टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या क्वारंटाईन सेंटरच्या माध्यमातून लोकांना त्या ठिकाणी आरोग्य लाभ व्हावा अशी ईश्वर करणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जयश्री पाटील, जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर आज हायकोर्टाने एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला, ते म्हणजे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत। आधी कोर्टाने जे ताशेरे ओढले ते आता वेगळा निर्णय दिसतो आहे। कशा पद्धतीने? मला असं वाटतं की माननीय उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे। ऍडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी तो ये इस्तीफे की कॉपी आप देख रहे हैं। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से समय जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, हालांकि सीबीआई जांच की बात भी आज ही कही गई थी हाई कोर्ट की तरफ से। काजल, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार पर और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दबाव बन रहा था, वो आखिरकार जिस तरह से हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर था। देर सुबह ही देखे जिस तरह से लगातार, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात करें या फिर राम कदम की बात करें या फिर अतुल भास्कर की बात करें, खास में संजय निरुपम ने भी साफ तौर से कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको लेकर आज अनिल देशमुख ने फिलहाल अभी अभी जानकारी मिली कि इस्तीफा आखिरकार दे दिया है। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। हाई कोर्ट ने आज ही आदेश दिया था कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, उससे पहले ही इस्तीफा दे देना। सीबीआई की जांच अभी तक तो शुरू नहीं हुई थी, बहुत कुछ दिखाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अपने आप इस्तीफे में मिल चुके हैं। जी काजल, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे, वही विपक्ष भी लगातार हमलावर था, ऐसे में सीबीआई जांच जब की गई है उसके बाद से तुरंत उन्होंने आनंद फानू ने मीटिंग में, हालांकि थोड़ी देर पहले ही बताया जा रहा था, वो नए जो वर्तमान आयुक्त है, पुलिस आयुक्त है नगराले साहब, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात भी की थी, साथ इसी चर्चा को लेकर बातचीत हुई थी, उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है स्थिति की पेशकश की। सत्यप्रकाश, बड़ा सवाल इस समय खड़ा होता है, ये जो इस्तीफे वाली बात आई है, आज इस्तीफा सौंपा है, बीजेपी लगातार उसी दिन से इस्तीफे की मांग कर रही थी जब से परमवीर ने आरोप लगाए थे गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, उसी दिन से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तक इस्तीफा नहीं सौंपा गया था। आज जब हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये आदेश दे दिया है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो उससे पहले तुरंत इस्तीफा देना क्या दिखा रहा है? या फिर सीबीआई जांच करती तो तमाम बड़े खुलासे हो सकते थे, सरकार और ज्यादा फंस सकती थी, उस सबसे बचने के लिए पहले ही इस्तीफा दे दिया गया?
देखिए काजल, सीबीआई तो जांच अभी भी चलेगी, लेकिन जिस तरह से कोई बड़ी केंद्रीय एजेंसी जांच करती है तो ऐसे में जिस पक्ष के खिलाफ जांच होती है उस पक्ष को उस पद पर नहीं रखा जाता, इस तरह की जानकारी है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अब अनिल देशमुख को मजबूरन जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, लिहाजन अनिल देशमुख ने खुद अपनी तरफ से पेशकश की और जो है आज इस्तीफा दे दिए। लेकिन ये पूरी जानकारी अब भी बरकरार है और लगातार जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई कभी बड़े अहम खुलासे कर सकती है। उसको लेकर सरकार भी समझ रही है और सरकार को भी पता है कि जब अनिल देशमुख से सीबीआई जांच करेगी, पूछताछ करेगी, तो तमाम बड़े नाम और तमाम बड़े खुलासे होने की आशंका है। लिहाजन अनिल देशमुख ने अब अपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सीबीआई लगातार उनके टच में रहेगी और जांच करेगी। सत्यप्रकाश, तमाम बड़े सवाल हैं ऐसे जो कि इस समय उठ रहे हैं, और अभी खबर यह है कि अनिल देशमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए जा रहे हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए आजकल यही लगाई जा रही थी कि अनिल देशमुख जब इस्तीफा देंगे उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनके जो मुखिया है शरद पवार एनसीपी के उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि तमाम अहम जो पेच है वो फंसे हुए, क्योंकि सीबीआई जांच के बाद शायद अनिल देशमुख को अपने साथ रखे की सीबीआई, या फिर सीबीआई ऐसा सुनना चाहती है कि अनिल देशमुख का जो वर्तमान से है रहने हैं वो कहाँ है कैसे है उसको लेकर भी जानकारी होगी। लेकिन अब पूरे मामले में अनिल देशमुख मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपना भी पक्ष रखेंगे कि किस तरह से सीबीआई जांच में वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये जो चिट्ठी इस समय उन्होंने ट्वीट की है, खुद इसमें पता चल रहा है कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्या गठबंधन को लेकर कुछ चल रहा होगा? शरद पवार की बात मानी अनिल देशमुख ने, या फिर उद्धव ठाकरे ने उधर से कुछ कहा होगा? क्या लग रहा है, अंदर खाने को चल रहा होगा इसको लेकर? देखिए लगातार विपक्ष सरकार पे हमलावर थी, विपक्ष बिल्कुल किसी भी हालत में अनिल देशमुख का इस्तीफे की मांग कर रहा था, ऐसे में सरकार पर जिस तरह से लगातार दबाव बन रहे थे उसको लेकर संजय राउत खुद शरद पवार से भी मुलाकात की। हालांकि शरद पवार पिछले कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रहे, उसके बाद आने के बाद तुरंत संजय राउत से मुलाकात की, उनसे भी चर्चा की कि जो हालात मुंबई महाराष्ट्र के हैं वो कहीं कहीं बदतर होते जा रहे हैं, लिहाजन अनिल देशमुख के ऊपर कुछ न कुछ बातें जो है होनी चाहिए, उसको लेकर लगातार सरकार भी अनिल देशमुख के ऊपर दबाव बना रही थी कि किस तरह से पूरे मामले को अंजाम दिया जाए। हालांकि क्योंकि अनिल देशमुख जो है एनसीपी के विधायक रहे हैं और एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसे में अनिल देशमुख के ऊपर शरद पवार का सबसे बड़ा वो जो हाथ है वो है, उसको लेकर भी बड़ी डिस्कस की जा रही थी किस तरह से इस पूरे मामले को अनिल देशमुख तक पहुंचाया जाए। ऐसे में जब वार्ता हो गई है, तमाम प्रेशर हो गए, आज सुबह से ही लगातार दीपक शर्मा था, उसके बाद अंकित साहब उनको ठीक है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।